नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कशॉप की जिसका नाम है होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम। दोस्तों, लाइफ में हर व्यक्ति सक्सेस हासिल करना चाहता है और सक्सेस को हासिल करने के लिए हम रोज न जाने कितने ही तरह के एफर्ट्स करते हैं और सक्सेसफुल बनने की रेस में हम सब अपनी अपनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो किसी के लिए लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना सक्सेस हो सकता है, तो किसी को लाइफ में पीस और हैप्पीनेस चाहिए, या किसी का गोल नेम, फेम, पावर हासिल करना हो सकता है। इसी तरह से सबके अपने अपने डिफरेंट गोल्स हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारे लाइफ गोल्स इजीली अचीव हो रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई रुकावट आती है तो हमारी वर्किंग में काफी बदलाव आ जाता है और बहुत से लोग प्रॉब्लम्स के बाद क्विट भी कर देते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और उन प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो एक अचीवमेंट्स के लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर इनकी लिस्टिंग करने बैठेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अगर हम ध्यान से समझें तो पहला है विजन, दूसरा है परसिस्टेंस और तीसरा है पॉजिटिव माइंडसेट। विजन, परसिस्टेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम एक्शंस लेते हैं तो स्लो एंड स्टडी ही सही, लेकिन सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हुए हैं, अगर हम उनकी भी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो विजन, परसिस्टेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिए हुए एक्शंस ने ही उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। और दोस्तों, उनका भी मानना यही है कि देयर इज नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। रातों रात सक्सेस पाने की दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स और बेहतर तैयारी से आप सक्सेस को खुद हासिल करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। इनका नाम है उसेन बोल्ट और ये हैं दुनिया के फास्टेस्ट रनर। और इनकी सक्सेस स्टोरी की अगर बात की जाए तो इनके नाम है 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस को जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और दोस्तों, बोल्ट की इस सक्सेस को अगर देखें तो सिर्फ 9.5 सेकंड में उन्हें यह सफलता मिली, लेकिन इस 9.5 सेकंड की सक्सेस के पीछे हर रोज 9.5 घंटे की तैयारी भी शामिल है, और उसी 9.5 घंटे की तैयारी ने उन्हें 9.5 सेकंड की विनिंग मोमेंट को एंजॉय करने का भी मौका दिया। तो फ्रेंड्स, आप चाहे लाइफ में हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें, बेसिक रूल यही है कि हमने जितने भी फैक्टर्स को डिस्कस किया उन सभी फैक्टर्स के साथ काम करने का पुश हमें खुद के दिमाग से ही मिलता है, और कुछ तो डिफरेंट ट्यूनिंग हर उस सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ने अपने खुद की ब्रेन की ही होगी जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एक बेहतर पुश दिया। तो दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो सब कुछ हमारे खुद के अंदर ही है। एवरीथिंग इज इनसाइड। हर वो चीज जो हम बाहर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्रोस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस, इंट्यूशन, बेटर रिलेशनशिप या लाइफ का कोई भी गोल, ये सब हमारे खुद के दिमाग की ही तो उपज है। बस हमें इन सभी चीजों को अपने ब्रेन से डाउनलोड करना सीखना है। अब बात करते हैं ब्रेन की। हमारा ब्रेन बना है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से, जिनको ब्रेन सेल्स भी कहा जाता है, और यही ब्रेन सेल्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसको हम न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं। और इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस होती है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करता है, और जितने स्ट्रांग ये न्यूरल नेटवर्क होते हैं, हम कह सकते हैं कि उतनी ही स्ट्रांग हमारी ब्रेन की पावर होती है। आपने देखा होगा, एक्सरसाइज करते वक्त हमारी बॉडी के टिश्यूज फटते हैं, और उन टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए बॉडी न्यू टिश्यूज प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। उसी तरह से अगर ब्रेन को भी डेली बेसिस पे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज किया जाए तो ब्रेन भी न्यू सेल्स प्रोड्यूस करके अपनी कैपेसिटी को इनक्रीज करने लगता है। दुनिया की हर चीज एक वर्किंग रूल फॉलो करती है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी बेटर वर्किंग के लिए काफी सारे रूल्स फॉलो करता है। अगर उन रूल्स के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए
तो हमारे ब्रेन की वर्किंग पर भी काफी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल स्लीप, हम सब जानते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए तो आपको जान के हैरानी होगी कि इसका हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है, जिससे हमारी अटेंशन स्पैन, वर्किंग मेमोरी, मूड, लॉजिकल रीजनिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस काफी हैम्पर होते हैं। तो ब्रेन रूल के हिसाब से एक अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला है स्ट्रेस। एक स्ट्रेस ब्रेन को भी डेली रूटीन एक्टिविटीज में काफी परेशानियां हो सकती हैं। स्ट्रेस हमारे ब्रेन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और साथ साथ ब्रेन को श्रिंक भी करता है, जिससे ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंसेस होते हैं। तो करंट लाइफस्टाइल के हिसाब से स्ट्रेस को पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रेन पावर को इंक्रीज करके स्ट्रेस को आसानी से डील किया जा सकता है। दोस्तों, हम सबके पास 5 तरह की सेंसेस होती हैं, टच, स्मेल, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट। और अगर ब्रेन रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंसेस को समझें तो हमारी लर्निंग के लिए हमारी सेंसेस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, देन वी लर्न एंड रिमेम्बर बेटर। इसी तरह से ढेरों ब्रेन रूल्स हमारे ब्रेन पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल पर काम करता है। जिन ब्रेन के हिस्सों को हम रेगुलर यूज नहीं करते, ब्रेन उन हिस्सों को सुला देता है, यानी हाइबरनेट कर देता है। लेकिन उन सोए हुए हिस्सों को फिर से एक्टिव किया जा सकता है। अगर हम ब्रेन ट्रेनिंग को रेगुलर रूटीन का पार्ट बना लें तो ब्रेन की एफिशिएंसी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जितना ज्यादा हम अपने ब्रेन को एक्टिवली यूज करते हैं, हमारा ब्रेन उतने ही लार्ज न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करता है, जिससे हमारे ब्रेन की ओवरऑल लर्निंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड को हम नेक्स्ट लेवल पर आसानी से लेके जा सकते हैं। और होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन वर्कशॉप में हम इन्हीं सब चीजों पर डिटेल में काम करते हैं। अब बात करते हैं इस वर्कशॉप के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स की। दोस्तों, इस वर्कशॉप में हर पार्टिसिपेंट को एक पावरफुल अट्यूनमेंट दिया जाता है, एक ऐसा एनर्जी का फ्लो जो हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। डिफरेंट ब्रेन एक्टिविटीज के थ्रू हमारी 5 सेंसेस को भी इम्प्रूव करने का काम इस वर्कशॉप में हम करते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको आपके कंसंट्रेशन में देखने को मिलता है, जिससे आपका अटेंशन स्पैन और साथ साथ फोकस भी इम्प्रूव होता है। इस ट्रेनिंग से आपकी थिंकिंग एबिलिटी तो इम्प्रूव होती ही है, साथ साथ बेटर आइडिया एंड इमेजिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी आप बेहतर होते चले जाते हैं। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, और कंसंट्रेशन एंड सेंसेस स्ट्रॉन्ग होने से ये मेमोरी ट्रेसेस लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट हो पाते हैं, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और साथ साथ आपकी रीडिंग स्पीड और ग्रास्पिंग भी बेहतर होती चली जाती है। इंट्यूशन को लेके भी हम इस वर्कशॉप में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोस्तों, हम 6 सेंस को एक्सेस करने के चक्कर में अपनी मेजर 5 सेंसेस को इग्नोर करते जा रहे हैं, और इंट्यूशन क्या है? हमारी 5 सेंसेस का मिश्रण। हमारी 5 सेंसेस ही मिलकर हमें एक पावर देती हैं अपने ब्रेन से उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट को डाउनलोड करने की, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेन ट्रेनिंग फियर एंड फोबियाज को भी ओवरकम करने में काफी हेल्प करता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन लिमिटलेस पोटेंशियल का मालिक है, इसलिए इसके लिए एक बात कही जाती है कि ब्रेन इज वाइडर देन स्काई। तो इस लिमिटलेस पोटेंशियल को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन वर्कशॉप हम रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, और आप घर बैठे ही आसानी से इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ आपको इस वर्कशॉप से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट और रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इस वर्कशॉप को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।
तो अगर आप इस वर्कशॉप के बारे में कुछ और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।